गोपागंज थाना क्षेत्र के हिकमा के पास घर जा रहे मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने सामने से जोरदार टक्कर मार दिया। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंच घायल को CHC लाई, जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस को जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। वही अज्ञात वाहन मौका देख फरार हो गया था। घोसी कोतवाली के हाजीपुर के अनुसूचित बस्ती निवासी 20 वर्षीय दिनेश कुमार गोपागंज थाना क्षेत्र के देवकली विशुनपुर अपने मामा के घर से लगभग 10 बजे मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। अभी वह हिकमा गांव के समीप पहुंचा ही था कि सामने से अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। चोटिल होने के बाद उसने अपनी मां को फोन किया, फिर वह बेहोश हो गया। इसी बीच किसी राहगीर की नजर उस पर पड़ी, उसने एम्बुलेंस को फोन कर उसे CHC भेजवाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। इनके बच्चे भी थे? नहीं नहीं, इनका 20 साल एज था। अच्छा, 20 साल उम्र था। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम रामप्रीत। शादी हुआ था इनका? नहीं, शादी नहीं हुआ था। अच्छा, कितने बच्चे थे रामप्रीत के? रामप्रीत के दो बच्चे थे। दो बच्चे थे तो दो बच्चे में बड़ा थे जो छोटा थे? ये छोटा थे। छोटा थे, कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ये किसी रिलेशन से आ रहे थे। हाँ। कोई पीछे से मार कर कोई गाड़ी चला गया इसको। कौन था गाड़ी मारा है ये नहीं मालूम, हम लोग मौके पर नहीं थे। हाँ। सूचना गया है, फिर हम लोग घर से आए हैं तो देखे हैं मौके पर मौत हो चुकी थी। तो कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? ये भदसा रोड है, वहीं बता रहे हैं। भदसा रोड पे हुआ था।